बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय चैनल। अपने चैनल में अपने तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहती हूँ और आपकी खिदमत में सलाम पेश करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मेरे चैनल ने आपके सामने जो रेमेडी पेश करने का मतलब प्लान आज हमारा है, वो है एक ज़बरदस्त किस्म का प्लान। यानी जो दोस्त वो हैं जिनकी स्किन के ऊपर जो है ब्लैकनेस बहुत ज़्यादा है और उनका कलर वाइट नहीं है, वो तरह तरह की क्रीमें इस्तेमाल कर चुके हैं, फेशियल भी करवा चुके हैं, सैलून का रुख करवा के रुख भी उन्होंने कई दफ़ा इख्तियार किया है, लेकिन बेसूद। तो दोस्तों, आज मेरे पास रेमेडी ऐसे ही दोस्तों के लिए है, उनकी स्किन का कलर जो है वाकई ही वाइट हो जाएगा। तो आइए हम अपनी इस रेमेडी का आगाज करते हैं, लेकिन इससे पहले आप हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, मेरे चैनल हानिया हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी तमाम ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। अगर आपने ऐसा कर लिया है तो मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों, चलते हैं रेमेडी की तरफ। सबसे पहले जो इन्ग्रीडियंट मैंने अपनी इस बाउल के अंदर ऐड करना है, वो मेरे पास है सुपर डुपर रेमेडीज का सरदार, यानी कि बेसन। बेसन को हमने एक चम्मच अपने इस बाउल के अंदर ऐड किया है। बेसन आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। बेसन हर लिहाज से आपकी स्किन के लिए सूटेबल है और ये हर तरह की स्किन के लिए सूटेबल है, चाहे वो एक्नी है, चाहे ड्राई है, चाहे नॉर्मल है, कोई भी स्किन है, इसके लिए बहुत ज़्यादा ये अहमियत रखता है। फ्रेंड्स, अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हनी, यानी थोड़ी सी इतनी सी मिकदार में मुझे जो है हनी इसके अंदर ऐड करना है। अब नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट फ्रेंड्स जो मैंने ऐड करना है, वो मेरे पास है टमाटर का जूस। जी हाँ, एक चम्मच हमने इसके अंदर ऐड किया टमाटर का जूस। अब एक ही चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड किया आलू का जूस। एक चम्मच मैं इसके अंदर ऐड करूंगी आलू का जूस। आलू के बारे में आप जानते हैं, ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ब्लीचिंग इफेक्ट लेकर आता है, और टमाटर भी ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करती हैं, ग्लो लेकर आती हैं। ये देखिए, बेसन के साथ आलू और टमाटो शहद के साथ मैंने इसको जो है वो पेस्ट बना लिया है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी इंतहाई ब्लीचिंग इफेक्ट देने वाला इंग्रेडिएंट, यानी कि लेमन। हाफ लेमन मैंने कट करके इसके अंदर ऐड कर लिया है। फ्रेंड्स, अब ये मेरा जो पेस्ट है ये रेडी हो चुका है स्किन को ग्लो करने के लिए, लेकिन आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा थिन लग रहा है, इसलिए मैं इसके अंदर थोड़ी सी एडिंग जो है वो बेसन की और कर दूंगी। ये देखिए, अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये हर स्किन के लिए सूटेबल है, इसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपकी स्किन को हार्मफुल करेगा, यानी हार्मफुल आपकी स्किन को नुकसान पहुंचाएगा। दोस्तों, ये बहुत ही आजमूदा मतलब नुस्खा है, इसको स्किन को ग्लो करने के लिए जो इस्तेमाल कीजिए, और नेचुरल इंग्रेडिएंट यूज़ किए गए हैं, कोई किसी किस्म का इस पर ज़्यादा खर्चा नहीं है। और आपको जो आप जानते हैं कि मेरे चैनल की ये क्वालिटी है कि मैं आपके लिए ऐसी मतलब रेमेडीज लेकर आती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा खर्चे वाली ना हो, कम कीमत हो और बाला नशीन हो। फ्रेंड्स, अब आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा और मेरे साथ अपने जो हैं कमेंट्स वो शेयर कीजिएगा। कल मिलूंगी नई वीडियो के साथ। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।